हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सीओसी वीडियो। मैं हूँ रेडफिट और आज मैं लेकर आया हूँ एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी जिनके पास भी टाउन हॉल लेवल 9 है उनके लिए बहुत वीडियो काम आने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो मैं इस वीडियो में आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि गाइस कैसे टाउन हॉल 9 मैक्स को आप 3 स्टार कर सकते हो विद ईजी स्ट्रेटेजी। तो जो आर्मी मैं लेकर जा रहा हूँ वो मैं आपको बताऊँगा, मैंने रिप्लेस का रिकॉर्ड कर रखा है और इस रिप्ले में मैं आप सबको दिखाऊँगा कि कैसे अपोनेंट के टी एस नाइन को बिल्कुल इसी तरीके से आप 3 स्टार कर सकते हो विद सिंपल स्टेप्स। कुछ नहीं करना है, कुछ पंगा नहीं है। अगर आपके पास किंग क्वीन नहीं भी है तो भी अटैक हो सकता है, अगर आपके पास है कम लेवल का है तो भी हो सकता है। मेरा देख रहे हो लेवल 17 की क्वीन है, फिर भी मैं अटैक आपको 3 स्टार दिखाऊंगा। और टीएच देख रहे हो आप सामने बिल्कुल मैक्स है, सारी वॉल्स और सारी जितने भी हमारे डिफेंस है सब कुछ मैक्स दिख रहा है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, ये चीज़ें आपके बहुत काम आने वाली है। और वीडियो को शुरू करते हैं। अभी मैं देखो मैं आपको बताऊंगा कि जैसा कि आप देख रहे हो सामने टाउन हॉल लेवल 9 है, ओके। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि एडी कहां कहां पे प्लेस है। अभी ये 4 AD देख रहे हो, एयर डिफेंस ये प्लेस है, तो हमें लेके जाने हैं 8 थंडर स्पेल, 10 ड्रैगन और 4 अपने लून्स। और आप डोनेशन में ले सकते हो एक हेस्ट स्पेल और एक ईडी ले जा सकते हो और एक हेस्ट स्पेल अपने साथ ले जा सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो इसमें क्या करना है, देखना है कि आपको जो साइड की तरफ एडी है उनको इग्नोर करो। एक ये साइड की तरफ है एडी, ठीक है, और एक ये वाला, तो इनको इग्नोर करते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम थोड़े जो अंदर की तरफ एडी, ये वाले एडी, इन तक हमारी आर्मी को पहुंचना थोड़ा सा वो हार्ड हो जाएगा। तो हम जो अंदर की तरफ एडी है उनको डिस्ट्रॉय कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अपनी आर्मी अपोजिट साइड से अंदर की तरफ डालेंगे। तो ये वाला मेरा अटैक का स्ट्रेटजी है, होपफुल कि आपके भी काम आने वाला है, ओके। तो हम देखते हैं, ये रिप्लाई देखते हैं, ओके। अभी देखना, मैं ये दोनों एडी तोड़ूंगा, एक ये टूट गया और एक ये वाला, ये भी टूटेगा, ठीक है। देखो ये भी टूट गया, ठीक है। तो अभी अब ऊपर से हम क्वीन को छोड़ेंगे, क्वीन बिल्कुल एडी तक जाएगी, एडी को बहुत ज़्यादा एकदम लो कर देगी। तो यहाँ पर क्वीन का काम चालू हो चुका है। अभी देखते हैं, यहाँ पे एक एडी तो हमारा लून्स ने हेस्ट स्पेल के साथ तोड़ दिया है। हेस्ट स्पेल का आपको बहुत तरीके से यूज़ करना है, क्योंकि वहाँ पर आपको देखना है कि एडी तक कैसे पहुँचा जाए। एक एडी अब बचा है और यहाँ पे कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं रह गया, अभी एक एडी है, ये आराम से 3 स्टार होगा। अभी इसमें कोई देखने वाली बात नहीं है, हमने अपनी सीसी भी छोड़ दी है, सीसी में ईडी लाए थे हम, ईडी छोड़ दिया है। ईडी का काफ़ी अच्छा रोल है, देखो ईडी ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे हेल्प करा, यहाँ के साइड के जितने भी हमारे कलेक्टर से सबको तोड़ा है। और अभी यहाँ पर पहुँच चुके हैं सेकंड एडी की तरफ, अभी ये भी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। और देखते हैं यहाँ पर ये भी गया, तो अभी इसमें कुछ नहीं बचा है, इस वाले बेस में कुछ भी नहीं बचा है। जो हमारे पास टफ टफ डिफेंस था सब कुछ टूट चुका है और अभी ये इजी 3 स्टार है। तो आप भी इस आर्मी का यूज़ करके ड्रैगन्स आपको लेके जाने हैं 8 और 4 लेके जाने हैं आपको लून्स, और सीसी में आपको लेके जाना है ईडी और हैश स्पेल, और आपके अपने साथ 8 थंडर स्पेल और 1 हैश स्पेल लेके जाना है। किंग क्वीन नहीं होगी तो भी चलेगा गाइस ये वाला अटैक, ठीक है। अगर किंग क्वीन नहीं होगी तो भी ये अटैक सक्सेसफुल है। होपफुली कि आपको ये अटैक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसा लगा हमारा ये वाला अटैक और कैसी लगी हमारी ये वीडियो। और चैनल पर जो भी नया है गाइस मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको बाय बाय।